तुम्हारी भाभी अभी मायके पहुंची नहीं और भैया उनके पीछे पहुंच गए। ये जो रूमी को सब सीधा सादा मासूम सा समझ रहे हैं ना, यही सबको उंगलियों पे नचाएगी। शादी के अगले ही दिन किसी नई नवेली दुल्हन को इस तरह से कहना अच्छी बात नहीं है। रूमी हो या उसकी जगह कोई भी लड़की हो, उसके लिए परेशान होना बनता है। अच्छा, आपकी बात हो गई है, दोपहर के खाने के बाद आ रहा है वो। ये कौन सा कमाल कर दिया आपने, दोपहर के खाने के बाद तो उसे आना ही था। वो तो आप खुशकिस्मत हैं कि रूमी के इतने रिश्ते आने के बावजूद आपका कुरानदाजी में नाम निकल आया, वरना ये लोग तो आपके भी हक में नहीं थे। मेरे दिल में आपके लिए जगह सबसे ज्यादा और सबसे बढ़कर है। आपका मुकाम बहुत बड़ा है मेरे दिल में। तुम्हारे पेरेंट्स और भाइयों से भी बढ़कर। अच्छा अम्मी, मेरी बात सुनो, मुझे ये बताएं इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात। आप नहीं चाहती ना कि भाई हनीमून पर जाएं, तो साफ साफ मना कर दे। मुझे पता है असद भाई तो आपकी बात टाल ही नहीं सकते। टाल देगा, बड़ी आसानी से टाल देगा। अभी नई शादी का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा है। पहले कभी उसने अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं की थी, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए हर काम पर अपने ऑफिस को तरजीह देता था, लेकिन अब सब कुछ भूले बैठा है। बल्कि नबील से कहता है कि वो जाए वो देख ले। अब उसकी बीवी उसकी पहली और आखिरी तरजीह है। ससुरालियों के कसीदे पड़े जा रहे हैं, और तुमने देखा नहीं वो डिनर टेबल पर किस तरह से उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी बीवी को निवाले बना बना कर खिलाए। हाँ अम्मी, देखा तो मैंने भी, यकीन ही नहीं आ रहा ये वही असद भाई, दो दिन में कितना बदल गए ना। और यही मैं नहीं चाहती थी। अगर ये दोनों इस तरह से अकेले एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे ना, तो असद के लिए बाकी सब घर वाले गैर अहम हो जाएंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगी। तो मम्मी फिर क्या करेंगी आप? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हनीमून पर नहीं जाने दूंगी इन दोनों को। अच्छा मम्मी, फिलहाल टेंशन तो ना लें आप। खुदा के लिए सोने की तैयारी करते हैं ना यार, सुबह बहुत काम है मुझे। तुम्हारी जो बातें हैं सुबह सुन लूंगा, सुबह कर लेना गुस्सा। तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आएगी। हनीमून के लिए हमें तो कहीं नहीं जाने दिया, फॉरेन ट्रिप तो क्या पाकिस्तान में भी कहीं नहीं जाने दिया। क्या इस घर में सिर्फ तुम्हारे भाई और भाभी की अहमियत है, हमारी कोई हैसियत नहीं? सीधी बात है नबील, अगर वो हनीमून पर जाएंगे तो हम भी जाएंगे। मैं कोई इस घर की मुलाजमा नहीं हूं कि वो घूमने फिरने में जाएं और मैं घर के काम काज करूं। माहीन, जब वो जाएंगे ना तब की तब देखी जाएगी। और क्या लगता है तुम्हें, अम्मी उन्हें इतनी आसानी से कहीं जाने देंगी? क्या कर रही हो यार, मुफ्त की तुम्हारी अजम्पशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम कैसे कह सकते हो कि आंटी उन्हें जाने नहीं देंगी? क्योंकि मैं ये जानता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि असद भाई का कराची जाना तो अम्मी टॉलरेट करती नहीं, अच्छी तरह हनीमून पे जाने देंगी। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी मैं जानता हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अब प्लीज़ ये टेंशन ख़त्म करो, रिलैक्स हो जाओ और सो जाते हैं ना यार, प्लीज़। और ये लाइट्स बंद कर दो। बहुत ही बोर इंसान हो तुम नबील, अपने भाई को देखो, बीवी के आते ही जिंदगी के सारे शौक जाग गए उनके, और तुम इंतहाई बोर। लड़ाई हो गई, अब मैं सो जाऊँ?
प्लीज लाइट्स ऑफ कर दो। गए आप? तुम्हें साथ ना पाकर किसी नींद आ सकती है। अच्छा, फिर आप भी नमाज पढ़ लें। मैं? जी आप? तुम नमाज की पाबंदी करती हो ना? कोशिश जरूर करती हूँ। और मैं कोशिश के बाद भी नहीं पढ़ पाता। वो इसलिए क्योंकि आप दिल से नहीं कोशिश करते। आप दिल से कोशिश करेंगे ना तो जरूर पढ़ लेंगे। हाँ ये तो है, दिल से ख्वाहिश या कोशिश की जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, जैसे तुम्हारा यहाँ मेरे साथ होना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप अभी उठें, शाबाश उठें और नमाज पढ़ना शुरू करें। चले चले उठें। अच्छा उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ससुर बात करना मुनासिब नहीं लगा तो आई एम सॉरी। बेटा बात मुनासिब या नामुनासिब की नहीं है, बात है रूमी से जुड़े हुए नए रिश्तों की नज़ाकत को समझने की। और इसकी जरूरत सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको है। मुश्किल वक्त है और स्पेशली रूमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल वक्त है कि उसने अपने आप को जाकर एडजस्ट करना है। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब हम लोग अपने प्यार और मोहब्बत और खुलूस को अपने तक महदूद करके उसे नए रिश्तों को समझने और अपनाने का मौका दें। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी तो समझो। रूमी अभी ना समझ है, हम उससे यूँ ला ताल्लुक नहीं हो सकते। और वैसे भी आप जानते हैं कि आजकल तो तेज तरार लड़कियों का ससुराल वाले इतना बुरा असर करते हैं, और हमारी रूमी तो मासूम है, वो कैसे एडजस्ट करेगी? बेटा इंसान वक्त के साथ सब सीख जाता है। रूमी माँ ना अकेली है और ना ही ना समझ, क्योंकि असर जैसे सुलझे हुए और समझदार इंसान का साथ किसी भी लड़की को बाएतमाद और समझदार बनाने के लिए काफ़ी है। और क्या तुम्हें रूमी के चेहरे की खुशी देखकर अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो असद के साथ कितनी मुतमईन और खुश है? अम्मी हम ये एक दिन में कैसे जज कर सकते हैं कि रूमी खुश है वहाँ? क्या एक दिन में पूरी ज़िंदगी का नतीजा निकाला जा सकता है? आपने देखा नहीं असद भाई ने आज हमारे दिए हुए टिकट्स को कितनी आसानी से लेने से मना कर दिया। तो ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा कि हमारी रूमी को एक खुददार इंसान मिला है जो उसकी खुशी को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने देना चाहता। और रह गई एक दिन में नतीजा निकालने की बात, तो वो तो बेटा इंसान को परखने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। अगर आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी बखैर ही होता है। बस इंसान को अपना ईमान मजबूत रखना चाहिए। अब हम सबको दुआ ये करनी चाहिए कि रूमी अपने घर में खुश और आबाद रहे। बाकी उस घर में रूमी के लिए सब कुछ मौजूद है, दुनिया की हर नेमत भी और असद की मोहब्बत भी। तुम तो नाश्ता करती क्या कर रहे? उन्हीं के लिए नाश्ता लगा रही हूँ मैं, इसलिए कॉलेज नहीं गई।
मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैंने मना किया, वजह रात को परेशान हो जाती है। ठीक है, कैसी परेशानी है? मैं मम्मी को देख लूं जरा। नाश्ता करो पहले। नहीं नहीं, पहले देख लेते हैं। क्या हुआ? क्या तुम आ गए? तुम लोग खुद उठे हो या फिर इसने परेशान कर दिया तुम्हें? हमें किसी ने परेशान नहीं किया। आप ये बताएं, आपको क्या हुआ? और मुझे रात में किसी ने क्यों नहीं बताया? बस बेटा, तुम्हें तो पता है बीपी हाई हो जाता है मेरा, उसके बाद अपना सर में शदीद दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा, आप नाश्ता कर लें, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, अभी पिछले हफ्ते तो गई थी मैं डॉक्टर के पास, वो क्या करेगा, मेडिसिन चेंज कर देता है बस। खाने पीने में बद एहतियाती हो जाती है ये हसीना, कभी नमक तेज कर देती है खाने में, कभी मिर्चें। अब क्या करें, मजबूरी है, खाना तो उसी ने बनाना है और परहेजी खाना उसे बनाना नहीं आता। ऐसी भी क्या मजबूरी है? और परहेजी खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम है? क्या आपके अब्बू के लिए दो वक्त का परहेजी खाना नहीं बन सकता? हाँ, मुश्किल तो वाकई नहीं है बेटा, लेकिन देख रहे हो ना, मेरे में तो अब हिम्मत नहीं है कि मैं किचन में जाऊं। और ये माहीन, वो तो किसी को एक गिलास पानी ना दे। रूमी भाभी, क्या आप परहेजी खाना बना सकती हैं प्लीज अम्मी और अब्बू के लिए? क्या हो गया तुम्हें जूमी? अभी दो दिन पहले शादी हुई है, क्या वो किचन में जाएगी? अब ऐसी भी कोई तबीयत खराब नहीं हो गई मेरी, बस जैसे सिलसिला चल रहा है ना, चलने दो। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सॉरी रूमी भाभी। चले फिर, ठीक है, मैं कुछ अरसे के लिए ना कॉलेज छोड़ देती हूँ, क्योंकि अम्मी जब तक आप बीमार रहेंगे ना मुझसे पढ़ा जाएगा और ना ही मैं कॉलेज आ सकूँगी। ठीक है? अरे नहीं जोनी, कोई बात नहीं, तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, मैं आंटी के साथ मैनेज कर लूँगी, इतना मसला नहीं है। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो नई नवेली दुल्हन हो तुम, तो मैं तुम्हें किचन में नहीं जाने दूंगी। बेटा ये सिलसिला चल रहा है ना, ऐसे ऐसे ही चलने दो, मैं देख लूंगी खुद। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी, आपकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी मेरे लिए। श्योर? जी। जीती रहो बेटा, खुश रहो, जाओ बेटा, तुम लोग जाओ नाश्ता करो। जी, नाश्ता मम्मी को करवा दो। जाओ, शाबाश। अरे तुम तो आंख के इशारे समझने लगी हो मेरे, बिल्कुल ठीक किया है। अब ये जाएगी ना दो दिन की दुल्हन किचन में, तो पता चलेगा शादी क्या होती है। अरे हटाओ इसे, पराठा खाया है मैंने, वो भी देसी घी का, ले जाओ। क्या करूं अब मैं, मुझे तो बनाना भी नहीं आता परहेजी खाने। अम्मी, मामा को कॉल करती हूँ। नहीं, भाभी को कॉल करती हूँ। नहीं, तो जो ना परेशान हो जाएंगे सबके, अभी से मुझसे खाना बनवा रहे हैं। खुद ही कुछ कोशिश करनी पड़ेगी मुझे। Thank you.
garlic, about 5 cloves. Add about 2 teaspoons of olive oil. So make sure you don't use any strong oils. You don't have olive oil. Just use something very light and mild. Next, add a few chopped coriander leaves. अम्मी वैसे एक बात कहूँ, आपने असद भाई के एक्सप्रेशंस देखे थे? यकीन माने मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो आपको खुद कहेंगे कि हाँ अम्मी रूमी किचन संभाल लेगी, लेकिन नहीं, उल्टा वो अपनी बीवी से पूछ रहे थे कि आर यू श्योर कर लोगी ना। उनका चेहरा देख के साफ लग रहा था कि उन्होंने मना कर देना था। यही तो मैं भी देख रही थी कि असद ने बहुत जल्दी रंग बदलना शुरू कर दिया। समझ तो मैं भी रही थी कि रूमी इतनी आसानी से हामी भरेगी नहीं, असद को ही कहना पड़ेगा उसे। अम्मी रूमी भाभी वैसे इतनी चलाक नहीं है, सीधी सादी सी है, कम से कम उस माहिम जैसी नहीं। रहने दो बेटा, रहने दो, इतनी जल्दी अंदाजे नहीं लगाते। इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखाता है, और अगर चलो तुम्हारी बात कुछ सेकंड के लिए मान भी लूं कि रूमी सीधी सादी लगती है, तो असद उसे सीधा सादा रहने नहीं देगा, इतने नाज नखरे उठाएगा उसके। चले अम्मी अब जाने दे, जो चाहती थी अब वो तो हो गया ना, आज से रूमी भाभी किचन संभाल लेंगी। आज से नहीं भाई, अब रूमी संभालेगी किचन, वही देखेगी किचन को। असद को मौका ही नहीं मिलेगा कि उसमें अपनी महबूबा तलाश करके उसके नाज नखरे उठाए। मुश्किल है अम्मी, वो दोनों ना फॉरेन ट्रिप पे जाने का सोच रहे हैं। सोच रहे हैं ना, गए तो नहीं, ना गए हैं और ना ही मैं उन्हें जाने दूंगी। अम्मी ये नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, मुमकिन बनाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने 2 दिन की दुल्हन को किचन में भेजकर इस बात को मुमकिन बना दिया। जीरा भी उतर नहीं, काली मिर्चें, पिसा हुआ धनिया और जीरा जो मेरे पास है। रूमी बीबी, मेरी किसी मदद की जरूरत है आपको? जी आप मुझे मसाले अलग कर देंगी? जी आप बता दें मुझे कौन से मसाले निकालने हैं। आप एक काम करें, मुझे सबसे पहले तो आप काली मिर्च निकाल के दें, उसके बाद पिसा हुआ धनिया, जीरा है मेरे पास। रूमी तुम अभी से किचन में क्यों आ गई? वो कोई बात नहीं, बस आंटी की तबीयत खराब रहती है तो मैंने सोचा उनकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, आज मैं खुद कर लूँ। हाँ तो तुम मुझे बता देती, मैं बना देती। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि इतनी जल्दी तुम्हें हम किचन में भेज दें। नहीं नहीं भाभी, बस इस वक्त आंटी की सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूमी बीबी बताएं कौन से मसाले निकालने हैं? हसीना बाजी, मैं आप ही को बुलाने आई थी, जाए मेरे कमरे में जाकर डस्टिंग करें आप। मैं बस रूमी बीबी को मसाले निकाल दूं, माहिन बीबी आती हूं आपके कमरे में। कल भी आपने मेरे कमरे की डस्टिंग नहीं की थी, पता है ना आपको मुझे डस्ट एलर्जी है। चले जाए। जी ठीक है। हाँ तो रूमी क्या चाहिए तुम्हें? गरम मसाला, काली मिर्च या लाल मिर्च? गरम मसाला तो नहीं, आंटी का बीपी भी हाई रहता है, तबीयत खराब हो गई। तो आप एक काम करें, आप सिर्फ मुझे काली मिर्च दे दें और नमक दे दें और पिसा हुआ धनिया दे दें। और दे दें, ये पिस्ता है या ऐसे ही डलता है? नहीं नहीं ऐसे ही डाल दो। पक्का? इतना काफी है ना? एक और। पक्का? इतना? हाँ। रूमी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं थैंक यू। गरम मसाला आपसे ज्यादा डल गया है इसमें? नहीं नहीं अंकल, मैंने तो
गरम मसाला डाला ही नहीं है। ओ भाई सुन लो, ये तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने तो कभी जिंदगी में खाना बनाया ही नहीं, सारी जिंदगी तो मेरी किचन में गुजरी है। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। अरे रूमी कहाँ है, उसको तो बुलाओ, वो खाना नहीं खाएगी क्या? इशारत पकड़ाओ बेटा, ये लें जी। आओ आओ, खाना नहीं खाओगी बेटे? आप लोग शुरू करें, मैं भी खाती हूँ। हाँ प्लीज खाकर बताएं कैसा बना। अरे अच्छा ही बनाया होगा बेटा, मैं तो खा लूंगा। अरे शादी के दूसरे दिन ही तुम किचन में चली गई हो। आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसने अपनी खुशी से बनाया खाना। जी 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 अंकल, मैंने वो आप लोगों की तबीयत खराब रहती है ना, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए परहेजी खाना मैं खुद बनाती हूँ। अरे मेरे बच्चे, इतने अरसे से तो हम हसीना के हाथ का खा रहे हैं, कुछ दिन और खा लेते। भाई अभी हम वो तुम्हारे हाथ से पहले हमने मीठा बनवाना था ना। अंकल जरूर वो भी बनाऊंगी, आप ये तो ट्राई कीजिए। ये पानी पी, क्या हुआ? किसने बनाया ये खाना? मुझे लग रहा है कि निवाला मैंने गरम मसाले में डाल दिया। अरे अभी तो उससे कहा है, उससे बनाया है रूमी ने, ऐसा भी क्या हो गया, क्या डाल दिया उसने जो तुम इतनी चीख रही हो? अरे आप खाए, आप खा के बताएं मुझे, खाया जाता। अरे ऐसा भी क्या कर दिया बच्ची ने, तमाशा मत डालिएगा जितना खा सके। खा लेता हूँ भाई, खा लेता हूँ, देना रोटी का टुकड़ा दो जरा, क्या हो गया, आराम से भाई। हाँ हाँ बेटा, गरम मसाला आपसे ज्यादा डल गया है इसमें। नहीं नहीं अंकल, मैंने तो गरम मसाला डाला ही नहीं है। ओ भाई सुन लो, ये तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने तो कभी जिंदगी में खाना बनाया ही नहीं, सारी जिंदगी तो मेरी किचन में गुजरी है। नहीं आंटी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अरे बीबी तुम्हारा जो भी मतलब था, मेरा सर तो और ज्यादा दुखना शुरू हो गया, खास मुझे कमरे में ले चल। आंटी मैं आपको छोड़ देती हूँ। सुनिए चलो बस बेटा, खाओ तुम लोग ये गरम मसाले वाले खाने खाओ। अरे हटो भाई आगे से। कोई बात नहीं बेटा, जाता है, पहली दफा तुम गई हो ना किचन में, जाएगा। नहीं अंकल ट्रस्ट मी, मैंने नहीं डाला गरम मसाला, मैंने डाला ही नहीं है उसमें। तुम्हें पता तुम्हारी आंटी जब पहली बार किचन में गई थी ना, तो जर्दे में चीनी के बजाय नमक डाल दिया। होता है बेटा, कोई बात नहीं, हम कुछ खा लेंगे, तुम बेटा कुछ ऑर्डर कर लो यार। आओ जुबैर अंदर आए। आया आया, मैं आया बेटे, तुम बेटा कुछ मंगा लो, बैठो बहू का ख्याल रखो। मैं कर लेता हूँ। हाँ क्या हो गया, गरम मसाला ना हो गया कयामत। अरे बेटा हम ना कितना टाइम है खाने में, तुम्हारे मामू को इतनी भूख लग रही है और अरसल और हारिस भी रास्ते में। बस मुमानी सालन रेडी हो गया, रोटियां बनानी रहती हैं। अच्छा रोटियां मैं बना दूं? अरे नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगी रोटियां, रमशा कह रही थी कि वो रोटियां बनाएगी, मैं बस उसे अभी बुला के लाती। नहीं नहीं बेटा, चार दिन की मेहमान है, क्यों से काम करवा रही हो, बुरा लगता है। कैसी बातें कर रही है मुमानी, कहाँ की मेहमान, उसका अपना ही तो घर है,
बनाने दे उसे। अच्छा भाई देख लो तुम और जल्दी कर लो, भूख के मारे तुम्हारे मामू का बुरा हाल। अरे आप आराम से चल के बैठे, बस हम अभी खाना लगाते हैं। जल्दी कर लो जरा। अच्छा आपी क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर तुम में थोड़ी सी भी अकल है? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रोका था कि तुम सबसे अलग थलग यहाँ बैठ के गाने सुनो, इससे बेहतर तो तुम हैदराबाद में ठीक थी। आपी हुआ क्या है बताएं तो, और मेरे पास करने को है ही क्या, सारा दिन बोर होती रहती हूँ। ये इंटरटेनमेंट प्रोग्राम ना घर जाके कर लेना, पिकनिक पे नहीं आई हुई हो जो बोर हो रही हो। इस वक्त तुम्हारा सारा ध्यान घर वालों को इम्प्रेस करने में होना चाहिए, खिदमत करके उनका दिल जीतो, इस घर में जगह बनाओ। हाफी आप भी तो हर वक्त यही करती रहती हैं, क्या आपने किसी के दिल में जगह बना ली? दिल में ना सही, घर में तो जगह बना ली है ना। क्या फायदा ऐसी जगह का जहाँ बहू को मुलाजमा समझा जाता हो? तंस कर रही हो? अरे नहीं आपी, आप तो मेरी बहन है, मैं आपको कैसे तंस कर सकती हूँ? बस आपकी बेकदरी देख के दुख होता है मुझे, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आ जाओ। एक से दो हो जाएंगे, फिर हमसे ज्यादा कदर किसी और की नहीं होगी। आप ये हारिस मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, उल्टा हर वक्त मेरी इंसल्ट करता रहता है, और आप चाहती हैं कि मैं हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊँ। और पता नहीं आप ही क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हारिस किसी और में इंटरेस्टेड है। क्या फजूल बातें कर रही हो, किसने कह दिया तुमसे? मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगता है। गलत लगता है तुम्हें, वहम है तुम्हारा। और आइंदा गलती से भी ये बात मत सोचना, हारिस अगर किसी में भी इंटरेस्टेड होता है तो वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। आप ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। खैर छोड़ो अब ये बातें, चल के रोटियां बना दो, इससे पहले मुमानी जान जाएं किचन में और रोटियां बनाने लग जाएं और हमें अपने बेटों के सामने नीचा दिखाएंगे। चलो ठीक है आप रुके, मैं ही बना देती हूँ। नहीं मैं आती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। माहीन, माहीन, क्या हो गया तुम्हें? मुझे सीरियसली तुम्हारी दिमागी हालत खराब लग रही है। दिमागी हालत तो मुझे तुम्हारी माँ की ठीक नहीं लग रही। कितने मान और कर से अपनी पसंद से बहू लेकर आई थी। हाँ गरम मसाला और काली मिर्च में फर्क है। कैसे दिन रात खुबड़ होने के ताने मिलते थे मुझे, उससे एक लव तक नहीं पड़ा। वो इसलिए क्योंकि वो नई नवेली दुल्हन अभी अभी आई है इस घर, और वैसे भी इन सब से एक बात का तो अंदाजा हो गया कि उन्हें एहसासी जिम्मेदारी है, वरना इतनी जल्दी कौन चला जाता है किचन में खाना बनाने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ उससे ऐसा से जिम्मेदारी है और मुझे नहीं है, ये कहना चाह रहे हो तुम? मैंने ऐसा कब कहा है? मतलब यही था तुम्हारा, इसे ऐसा से जिम्मेदारी नहीं कहते। बड़ी ओवर स्मार्ट होके सास बहू मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी ना, नाकाम कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि टुकर है नाकाम हो गई। माही मुझे सच सच बताओ, तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं की? तौबा तौबा तौबा, मैं ऐसी गड़बड़ क्यों करूंगी? तो मुझे ऐसा समझते हो? हाँ नहीं यार, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें भाभी का तो पता नहीं, लेकिन अम्मी को तो अच्छी तरह जानती हो ना तुम।
कोई भी गड़बड़ करोगी तो उनसे तो छुपी नहीं रहेगी ना वो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से इस घर का माहौल खराब हो। हाँ हाँ, इस घर में रहने वाले हर फर्द को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और रूमी को तो मैं पहली नजर में ही जान गई थी। उसे तो इस घर में सिर्फ इसलिए लाया गया है कि मुझे नीचा दिखाया जा सके, और इस बात का तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। सच छोड़ो ना, जो हो गया वो हो गया, छोड़ो इन सब बातों को। प्लीज जाके नीचे से कुछ खाने के लिए ला दो, अम्मी की वजह से खाना भी नहीं खाया मैंने। वो वाला खाना? मेरा वो खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम बाहर से कुछ ऑर्डर कर दो। तो फिर हम भूखे ही रहते, तुम जानती हो ना इस घर में बाहर से ऑर्डर करने की इजाजत नहीं है, अम्मी को कितना बुरा लगता है। तुम्हारी अम्मी को तो मेरा इस घर में सांस लेना भी पसंद नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ बिल्कुल, नहीं आप फिक्र ना करें, कल मैं ऑफिस जाऊंगा तो सारी पेमेंट्स देख लूंगा मैं। जी हाँ, हाँ बिल्कुल, कल मीटिंग रख लें 12 बजे की। मैं कल ऑफिस में बात करता हूँ ना, अभी मैं जरा बिजी हूँ, कल बात करता हूँ मैं। क्या हुआ तुम्हें, इसे परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो? सर आप मेरा यकीन करें, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, वो खाने में मैंने ऐसा कुछ ऐड भी नहीं किया है। मैं जानता हूँ, इस तरह सफाइयां क्यों दे रही हो, हो जाती इंसान से गलती, इसमें ऐसा क्या है? नहीं ना, आपको नहीं पता मुझे कितना बुरा लग रहा है, मेरी वजह से कोई भी घर में खाना नहीं खा पाया। मैं काम करती हूँ, मैं अभी जाके कुछ ट्राई करती हूँ बनाने का, कुछ ना कुछ अच्छा तो बन ही जाए। आराम से बैठो, रिलैक्स, खुद को क्यों थका रही हो? एक काम करते हैं ना, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, सब मिलके खा लेंगे। ओ, खा लेंगे। तो एक बात बताओ, तुम्हें मेरे साथ बैठना अच्छा नहीं लगता? नहीं। मतलब नहीं, मेरा मतलब अच्छा लगता है। तो आराम से बैठो, खाना मैं ऑर्डर कर दूंगा, सब खा लेंगे, मैं कह रहा हूँ, रिलैक्स। क्या ऑर्डर करें आप? मैं क्या खाना बताऊँ? जो अम्मी खा रहे। परेशान हो, रिलैक्स। हाय मैं मर गई, हाय अम्मी, हाय मेरा सीना। अम्मी ये जूस पिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी, अब तो लगता है दिन ब दिन तबीयत खराब होती जाएगी, खराब होती जाएगी। ओ फहमीदा, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं हुई है, जूस पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आप, मैं ऐसे ही घबरा रही हूँ, वो एक निवाला मेरे गले में अब तक चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है इस कदर गरम मसाला डाला है, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने गरम मसाले से निवाला लगा कर खा लिया हो। अब छोड़ो भी फहमीदा, कब तक ये किस्सा लेके बैठी रहोगी, अब इतना भी तेल नहीं था मसाला, हमने भी तो खाया है। अरे क्या छोड़ो, आपको तो आदत है ना तेज मसाले खाने की, मुझे आदत नहीं है, मेरा बीपी हाई हो जाता है। लो जानलेवा है मेरे लिए इतने तेज मसाले,
तुम्हें क्या लगता है रूमी ने जानबूझ के किया होगा ये? हाँ भाई हो जाती है गलती, हो गई गलती, छोड़ दो। बेजा हिमायत ना करें अपनी बहू की, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये पुराने जमाने के बहाने हैं बहुओं के। अगर ससुराल में कुछ खाना बनाना पड़ जाए ना तो ऐसा खाना बनाएंगी, ऐसा बनाएंगी कि आइंदा किसी की हिम्मत ही ना हो कहने की कि बीबी खाना बनाकर खिला दो। तुम्हें ऐसी बच्ची नहीं है प्रियंका, खासी सुलझे हुए घर से। और तुम्हें किसने कहा था कि तुम दूसरे दिन ही उसको उठा के किचन में भेज दो? हा? अरे तो और किसे भेजूं? वो आपकी छोटी चहीती बहू, उसके तो अभी तक पैरों पे मेहंदी लगी हुई है, उसने तो पैर जमीन पर रखकर देखे नहीं। अब ले दे के ये रूमी है ना, अगर इसे भी ना कहें तो भूल जाएं कि हमारी भी कोई खिदमत करेगा। अपने बेटे से भी कहें कि बस हो गई शादी, अब दफ्तर जाए, अपनी बीवी के पल्लू से बंधा ना बैठा रहे। असद समझदार बच्चा है, वो कर लेगा सारा काम, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तुम भी तो हल्का हाथ रखो ना, अपनी पसंद से लेके आई हो ना बहू, थोड़ा वक्त दे दो उसको कुछ साबित करने के लिए, पीछे तो ना पड़ जाओ उसके। अच्छा अच्छा बस मुझे ज्यादा सबक ना पढ़ाएं, मैं जानती हूँ क्या बेहतर है और क्या नहीं। अरे जूस दो भाई, पी लो। मैंने कहा ना नहीं पीना मुझे जूस, मीठा जूस पी लूं शुगर भी हो जाए, ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई है मेरा, बस ले जाओ। ये बहुएं कहीं का नहीं छोड़ेंगी मुझे, कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ओए मेरा गला जल रहा है, ओए मेरा सीना, ओए ओए। ये है मामू जान। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें भाई, आते साथ ही तुम काम में शुरू हो गई हो, बैठो खाना खाओ, जो आ गया अब बिल्कुल ठीक है। ये तुमने क्या किया, दो चार दिन के लिए बच्ची आई तुमने उसका काम पे लगा दिया। भाई ये तो आप हमना से पूछें, मैं तो बहुत मना किया था। तो क्या फर्क पड़ता है मामू, अपने घर भी तो काम करती है। क्या मतलब है आपी, ये मेरा घर नहीं है? हाँ भाई क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, माँ और मामू का घर एक ही होता है। जी मामू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी मेरा ही घर है, बस फर्क इतना है कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती। हैं? क्यों नहीं रह सकती? दरअसल मामू अम्मा का सुबह फोन आया था, उनकी तबीयत बहुत खराब है, कह रही है इसको जल्दी से वापस भेज दो। अरे बहन की तबीयत ठीक नहीं है, और खतीजा तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे अभी हमना से पता चला है, सुबह मैंने फोन किया तो तबीयत ठीक थी। हमारी तबीयत भी खराब होते हुए कोई टाइम नहीं लगता, और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हम बहन भाई कितना बीमार रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू, मेरा ख्याल है कि हम सबको वहां जाके मिलना चाहिए, और रमशा तुम भी साथ चलना। क्यों खतीजा? हाँ जैसा आप मुनासिब समझे। भाई देखो जब हैदराबाद जा रहे हैं तो रूमी से भी मुलाकात हो जाएगी, हमारे दिल की उदासी भी दूर हो जाएगी। लेकिन अम्मी बाबा ठीक कह रहे हैं, अब रूमी की शादी को इतना अरसा हो गया है, हम गए नहीं उसके घर पे, मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए, एक नजर देखना चाहिए। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ। चले ठीक है। हारिस तुम ऐसा करना कि तुम सबको हैदराबाद ले जाना, मैं नहीं जा पाऊंगा, ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल। जी भाई जरूर, अगर रूमी के यहाँ जाना है तो मैं ले जाऊंगा। चलो आओ भाई खाना शुरू करते। आई विश मैं भी जा सकता लेकिन चले नेक्स्ट टाइम सही। रमशा आओ बैठो खाना शुरू करो। चलो आज मैं आपको बिरयानी डालती हूँ, और दादा देख रहे हैं फिनिश करना है। Sure.